नमस्कार, एनसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। आइए आज शुरू करते हैं प्रथला विधानसभा से। प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गांव प्याला में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सरपंच ने 36 बिरादरियों की तरफ से निर्दलीय पंचायती उम्मीदवार नयनपाल रावत को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर शशि बाला तेवतिया ने भी लोगों से नयनपाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ग्रामीणों ने कहा, जो बीजेपी पार्टी ने नयनपाल रावत के साथ नाइंसाफी की है, उसका खामियाजा भाजपा को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस बार मेरे भैया नयनपाल रावत को अपना अपना आशीर्वाद देने के लिए या हीरे मोती के समान सम्मानित मेरे बुजुर्गो, सम्मानित मेरी माता हो और मेरे अजीज भाइयों को, गुजरे 20 साल हो गए इस प्याले काम की। सबको पता, मेरी माँ भी बैठी है, विद्या, जिसको मैंने अपनी माँ बनाया हुआ है। उस माँ ने भी कहा कि आज भाई को तेरी सख्त जरूरत है, और मैं उस त्याग करके स्वतः कर मार के कहीं भाई के साथ संबंध बुजुर्गो, युवा दोस्तों, कोई भी युद्ध और कोई भी चुनाव बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माओ के आशीर्वाद से, और दुष्ट सैनिक की दुष्ट चालों ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया था। लेकिन मैं साफ कहती हूँ, अपने पिछड़े हलके की एक एक हीरे मोती जैसे भाई बहनों को, माताओं को, जिन्होंने नैनपाल के हौसलों को टूटने नहीं दिया, सब पहुंचे आज प्याला गांव में। कितना लोगों ने जन समर्थन देने का ऐलान किया है और कितना टफ अभी मान रहे हैं आप चुनाव? देखिए, टफ तो यहां कुछ है ही नहीं। प्रथला क्षेत्र की जन जन ने, प्रथला क्षेत्र के हर वर्ग ने, माता बहन बुजुर्ग युवा मजदूर, सारी शक्ति मिलकर इकट्ठी हो गई है और हर गांव में 36 बिरादरी के लोग मुझे बराबर का समर्थन दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी गांव में, यहां मैंने अभी तक 20 से 25 गांवों का दौरा किया है, और किसी भी जगह पर 70-80% का समर्थन से कम मुझे नहीं मिल रहा है। एक तरफ मैं अकेला हूँगा, प्रथला क्षेत्र की जनता होगी, और एक तरफ बाकी के उम्मीदवार होंगे। लगातार बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं 75 पार का, और प्रथला पर भी अपना कब्जा बता रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, प्रथला की तरफ तो उनकी आँख ही नहीं खुलेंगी, और रही बात 75 पार के नारे की, जिस प्रकार से इन भाजपा के